good morning students today we will study the chapter the sentence oh. sentence what do you understand by sentence a sentence is a group of words which makes complete sense shabdo ka vahmel jisse <inaudible> ek sarthak निकले उसे हम एक सेंटेंस कहेंगे वेन यू राइट अ सेंटेंस यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो या बनाते हो तो आपको दो चीज़ों का ध्यान हमेशा ही होना चाहिए नंबर वन ईच सेंटेंस बिगिनस विथ अ कैपिटल लेटर हर सेंटेंस की शुरुआत एक कैपिटल लेटर से ही होगी you cannot start the sentence with a small letter number 2 each sentence ends with a full stop har sentence ek full stop ke sath hi ant hoga matlab आपके सेंटेंस के अंत में एक फुल स्टॉप होना जरूरी है Now moving on to some examples. इज़ बर्थ डे टुडे माई क्या आपको इस सेंटेंस से कोई अर्थ निकल रहा है नहीं इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है इसलिए ये एक रॉन्ग एग्जांपल ऑफ सेंटेंस है ये एक सेंटेंस नहीं है Today इज़ my birthday, मतलब आज मेरा जन्मदिन है हाँ इससे एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसलिए ये एक राइट right सेंटेंस है सो so स्टूडेंट्स आज के लिए आप इतना याद करें और कुछ असाइनमेंट्स बनाएं Now, what you have to do is you have to arrange the following group of words to make meaningful sentences. You have been given five sentences. These are incorrect and jumbled. Apko in galat sentences ko sudharkar ek meaningful sentence banana hai. Moving on to the next assignment for you all. हियर यू हैव टू री राइट द सेंटेंसेस पुटिंग इन द कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर रिक्वायर्ड यहाँ भी आपको पाँच सेंटेंस दिए गए हैं आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप लगाना है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स